स्वागत है दोस्तों अगर फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबको गोरखपुर के मरीन ड्राइव के नौका विहार के पास बन रहा है JSR प्लाजा का आज मैं आप सबको अपडेट देने जा रहा हूं। और JSR प्लाजा के अलावा मैं आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो कि अपने रामगढ़ झील में पैरासेलिंग भी जो है कि चालू हो चुकी है, तो इन पे भी अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही गोरखपुर के डेवलपमेंट पर वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अभी हम आ चुके हैं तारामंडल के बुद्ध विहार पार्ट ए रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास, और ये कॉलोनी भी शहर की पॉश कॉलोनी में जो है कि गिनी जाती है। और इस कॉलोनी के आसपास जो है कि दर्जनों भर बड़े हॉस्पिटल्स भी जो है कि संचालित होते हैं, इसलिए भी इस एरिया का जो है कि इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तक मैंने अपने चैनल पर इस रेजिडेंशियल कॉलोनी का वीडियो मैं आज तक जो है कि नहीं डाला था, चूँकि ये शहर की पॉश कॉलोनी में जो है कि गिनी जाती है। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना आपको इस पॉश कॉलोनी का भी वीडियो जो है कि दिखाते चला जाए। और आपको बता दूं कि ऐसे तो अपने शहरी क्षेत्र में जो है कि हर तरफ जो है कि चारों तरफ जो है कि डेवलपमेंट का काम जो है कि जोरों शोरों से चल रहे हैं, चाहे से वो शहर के आप किसी भी इलाके में अगर आप चले जाएंगे तो हर एरियाज में जो है कि आपको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कि दिखाई दे देंगे। ऐसे तो JSR प्लाजा का वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो है कि JSR प्लाजा के कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। तो आज मैं आपको उसका पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन साइट भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी भी हम शहर के बुद्ध विहार पार्ट ए कॉलोनी के ही बीच से जो है कि हम गुजर रहे हैं। और ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब कि अपने गोरखपुर शहर की सबसे पॉश कॉलोनी आपको कौन सी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पास रेजिडेंशियल कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं शहर के किसी कमर्शियल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। और फाइनली दोस्तों ट्रेवल करते हुए हम आ चुके हैं JSR प्लाजा के कंस्ट्रक्शन साइट के पास, और आप ये देख पा रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। और ऐसे जो है कि JSR कंपनी की तरफ से जो है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर जो है कि काम कराया जा रहा था, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। जैसे कि JSR प्लाजा और JSR एडवेंचर पार्क प्रेजेंट टाइम में कंस्ट्रक्शन में है, तो वहीं JSR फूड पार्क और फूड पार्क के अलावा JSR हर्बल पार्क ऑलरेडी जो है कि बनकर रेडी हो चुका है। अब हम आपको JSR प्लाजा का अब हम आपको दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। और मैं आपको बता दूं कि ये जो JSR प्लाजा बन रहा है तो इसमें जो है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के फूड आउटलेट्स भी जो है कि इसमें खुलेंगे। बड़े ब्रांड्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कि पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, डोमिनोज जैसे जो है कि बड़े ब्रांड्स जो है कि यहाँ पर अपना आउटलेट्स भी खोल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप नौका विहार आते हो तब आपको यहाँ पर ब्रांडेड फूड आउटलेट्स का भी यहाँ पर आपको तोहफा मिलने जा रहा है। और ये चीज़ें जो है कि JSR प्लाजा में जो है कि खुल रही हैं। ऐसे तो JSR प्लाजा का निर्माण कार्य काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाना था, लेकिन किसी कारणवश जो है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, लेकिन एक बार फिर से इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है कि तेज़ी आ चुकी है। और अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पाइलिंग का यूज़ किया जाएगा, चूँकि सीमेंटेड पाइलिंग नहीं होगी, लोहे के बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर पाइलिंग जो है कि आ चुके हैं उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। और ये जो आप दोस्तों इमेज में देख पा रहे हो JSR प्लाजा बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस व्यू जो है कि नज़र आ रहा है, और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जब यह बनकर रेडी हो जाएगा और जब इसमें ब्रांडेड फूड आउटलेट्स जब इसमें खुल जाएंगे, तब तो अपने नौका विहार में जो है कि और चार चांद लग जाएगा। और ये काफ़ी शानदार लुक जो है कि इसका जो है कि मिलने वाला है। और इसमें चूँकि रेस्टोरेंट जैसी तो सुविधाएं तो रहेंगी, इसके साथ साथ जो है कि आउटसाइड एरियाज़ में भी जो है कि बैठने की व्यवस्थाएँ रहेंगी। जिस प्रकार से JSR फूड पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है, सेम वैसे ही JSR प्लाजा का भी निर्माण कार्य यहां पर जो है कि कराया जा रहा है। और इस JSR प्लाजा के ठीक बैक साइड में भी एक काफ़ी सुंदर जो है कि झील भी नज़र आने वाली है, तो इसलिए भी JSR प्लाजा को इसी बेस पर जो है कि तैयार किया जा रहा है। और प्रोक्स यही उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही ये JSR प्लाजा पूरी तरह बनकर रेडी होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि JSR ग्रुप का 4 प्रोजेक्ट जो है कि गोरखपुर में चल रहा था, जिसमें JSR प्लाजा,
जेएसआर एडवेंचर पार्क, जेएसआर हर्बल पार्क, जेएसआर फूड पार्क, इन चार प्रोजेक्ट में से दो प्रोजेक्ट्स जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं और दो प्रोजेक्ट का जो है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इन दो प्रोजेक्ट्स में जेएसआर एडवेंचर पार्क और जेएसआर प्लाजा का निर्माण कार्य चल रहा है। और दोस्तों ये जो आप दोस्तों इमेज में देख पा रहे हो, वीडियो में देख पा रहे हो, ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी अपने गोरखपुर में ही बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपको जेएसआर प्लाजा का कंस्ट्रक्शन अपडेट अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो क्यों ना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी अपडेट दे दिया जाए। तो यही है ये जो आप यूट्यूब वीडियो में देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार जो है कि इसका निर्माण कार्य कराया गया है और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी अप्रोक्स एक महीने के अंदर अंदर भी जो है कि खोल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और ये देखो गाइस, ये सीन गोवा का नहीं, ये सीन अपने गोरखपुर का है और इसको तो देख कर तो गाइस मज़ा ही आ गया आज मुझे। और मैं इसकी भी बात कर रहा था कि अपने गोरखपुर में पैरा सेलिंग की फैसिलिटी जो है कि शुरू हो चुकी है और आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जो है कि ये पैरासेलिंग जो है कि जा रहा है। और अपने गोरखपुर में एडवेंचर गतिविधियां जो है कि अब हर रोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो अपने रामगढ़ झील में स्पीड बोट, जेट स्की, पैरासेलिंग, इसके अलावा और भी तमाम तरह की बोट जो है कि अब यहाँ पर संचालित होने लगी हैं। तो वहीं पैरासेलिंग के अलावा और भी कुछ और बड़े एडवेंचर्स गेम्स भी जो है कि यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। और कौन कौन सी एडवेंचर गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होने जा रही हैं, आगे मुझे जैसे अपडेट मिलने वाला है मैं आपको पुनः वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और गाइस, अभी तक अपने ईस्टर्न यूपी में कहीं पर भी पैरासेलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम अपने गोरखपुर में ही जो है कि ये चीज़ शुरू हो चुका है। तो इसमें भी गोरखपुर वासियों को काफ़ी ज़्यादा गर्व करने वाली चीज़ है कि जिस चीज़ का आनंद लेने के लिए लोग गोवा मुंबई जाते हैं, अब उसका आनंद लोग अपने गोरखपुर में भी ले सकते हैं। तो अपना गोरखपुर जो है काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का वर्क जो है काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और अगले एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर जो है कि अपना गोरखपुर महानगर जो है सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स भी बनने जा रहा है। चूँकि अपने गोरखपुर में 10 से भी ज़्यादा फ्लाईओवर्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि अगले एक डेढ़ साल के अंदर अंदर जो है अपना गोरखपुर महानगर जो है 18 से 20 फ्लाईओवर्स वाला सिटी होने जा रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।